तो कितनी बढ़िया ये बनी है हमारी साबूदाना की खीर। ये देखिए सारे दाने बिल्कुल मोतियों जैसे अलग अलग हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फॉर्म आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमने आधी कटोरी साबूदाना लिया है, उसे अच्छे से 2 से 3 बार धोएंगे। और ये साबूदाने का जो साइज़ है ये चीनी के दाने के साइज़ का है, छोटी साइज़ वाला, ज़्यादा बड़े साइज़ का ये नहीं है। और ये जो वेट में है लगभग 50 ग्राम के आसपास में है। तो उसे हम 2 से 3 पानी से अच्छे से धो के निकाल लेंगे और उसके बाद 5 से 10 मिनट से भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डालेंगे और घी को गर्म करके हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो कलर इसे ज़्यादा चेंज नहीं करना है, हल्का सा केवल इसे घी में रोस्ट करेंगे। आप यहाँ पे अपने पसंद का ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रोस्ट किया है, तो इसके बाद इसे डालने के बाद हम किशमिश थोड़ी सी डाल लेंगे। किशमिश को आप पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो किशमिश बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा जो ड्राई फ्रूट है कितना बढ़िया से ये रोस्ट हो गया है। इसे बिल्कुल ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अब हम इसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आ गया है, ना ही ज़्यादा हुआ है और ये हल्के से रोस्ट हुआ है। तो इसे हम निकाल लेंगे। तो अब हम जो घी बचा हुआ है उसी में अब इस भीगे हुए साबूदाने को डालेंगे और उसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसे भी हम फ्राई नहीं करेंगे बिल्कुल, केवल हल्के से इसे रोस्ट करना है। तो ये देखिए आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, ये पैन को छोड़ रहा है। तो इसी स्टेज पे हम जो है दूध डालेंगे फ्रेंड्स। देखिए कितना बढ़िया रोस्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे दूध ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए कितना बढ़िया एक खिला खिला सा ये रोस्ट हुआ है, आपको देखने से अंदाज़ा लग गया होगा। तो यहाँ पे हमने दूध डाला है, दूध हमने पहले ही गर्म करके रख लिया था। डायरेक्ट ठंडे दूधों को यहाँ पे नहीं डालेंगे, नहीं तो दूध फट सकती है। तो हमने दूध को एक बार सुबह ही गर्म कर लिया था, उसके बाद हम यहाँ पे ये दूध जो हमारा लगभग 700 ग्राम के आसपास है मात्रा में। तो इसी प्रकार से आप चलाते रहेंगे इसे लगातार बीच बीच में। तो ये देखिए इसे आप लगातार इसी प्रकार से चलाते रहेंगे ताकि नीचे से चिपके ना। ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो इसी प्रकार से ये देखिए कितना बढ़िया ये खिला खिला सा है, बिल्कुल मोतियों की तरह। तो ये देखिए हमारा दूध भी कुछ गाढ़ा हो गया है जल के, और ये गाढ़ापन भी इसमें आ गया है, ये देखिए है ना। अब हम यहाँ पर चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी फ्रेंड्स हमने लगभग यहाँ 50 ग्राम के आसपास ऐड किया है, आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए कितना गाढ़ा ये बना है हमारा। तो इसे थोड़ी देर और चला के उसके बाद हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट डालेंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे। थोड़ी सी हमने ड्राई फ्रूट को रख लिया है बाद में गार्निशिंग के लिए। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे इसे, ताकि ड्राई फ्रूट जो अच्छे से हमारा इसमें सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए कितना गाढ़ा बना है। और इसे अब जब हम बंद करेंगे गैस को या चूल्हे को तो फिर ये और गाढ़ी होगी। तो यहाँ पे हमने 2 इलायची कूट के डाला है यहाँ पे, ये आपको पसंद हो तो डालें, इलायची से थोड़ी सी खुशबू आती है अच्छी। तो है ना कितना बढ़िया ये बन के तैयार हो रहा है ना फ्रेंड्स। अब बहुत ही आसान है, कोई भी इसे अपने घर में बना सकता है इसे। तब हम देखिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितनी गाढ़ी है, और ये गाढ़ी और होगी ठंडा होने के बाद। तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी पहले भी उतार सकते हैं इसे। कितना बढ़िया ये बनके हमारा साबूदाना की खीर बनके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो ये देखिए बिल्कुल मोतियों जैसी अलग अलग इसके सारे दाने हैं ना। तो आप भी फ्रेंड्स इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर बनाएँ।
और ये बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी होता है और फ़ायदेमंद भी बहुत है ये। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।